अलैकुम, आवाज़ आ रही है बच्चों? कैन यू हियर मी? ग्रेट। सो कल हमने कॉन्टिंजेंसी थियरीज को कंक्लूड किया था, और कल हमने अडेयर एक्शन सेंटर्ड मॉडल भी डिस्कस कर लिया था। और टुडे विल बी स्टार्टिंग विद वॉरेन बेने। आज हम वॉरेन बेने का मॉडल पढ़ेंगे, लीडर्स एज एनेबलर्स एंड लीडर्स एज ओरिजिनेटर्स। वॉरेन बेने का मॉडल पेपर में दो दफ़ा आ चुका है। एक दफ़ा लीडर्स के और मैनेजर्स के करेक्टरिस्टिक्स दिए गए थे कलेक्टिवली, और कहा गया था बताएं कौन सा करेक्टरिस्टिक लीडर का है और कौन सा मैनेजर का है। सिंपल बाइफरकेट करना था। और एक दफ़ा जेनेरिक क्वेश्चन आया था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ लीडर एंड अ मैनेजर, लीडर में और मैनेजर में जेनेरिक डिफरेंशिएशन करने के ऊपर क्वेश्चन किया गया था। वॉरेन बेने ने 1980s में एक मॉडल इनिशिएट किया था ट्रांजेक्शनल वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल। इन्होंने कहा था कि मैनेजर जो होता है, इसका रोल होता है स्टेटस क्वो को मेंटेन करना। मैनेजर एडमिनिस्टर करता है, मैनेजर सिस्टम को ऑर्डर में रखता है, मैनेजर सिस्टम एंड कंट्रोल्स पे फोकस करता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करता है। मैनेजर जो है वो ट्रांजेक्शनल लीडरशिप मुहैया करता है। सो अकॉर्डिंग टू वॉरेन एंड बेने, मैनेजमेंट जो है दैट इज ट्रांजेक्शनल लीडरशिप। ट्रांजेक्शनल से मुराद है गिव एंड टेक के रिलेशन में होता है। लोगों को पैसे देगा, काम करवा लेगा, सिस्टम्स को डिसिप्लिन में इन ऑर्डर लेके आएगा, और उसके अगेंस्ट फिर रिवॉर्डिंग करेगा। तो मैनेजर क्या करता है, ही डज द थिंग्स राइट, ही डज द थिंग राइट, डू द राइट, डू द थिंग राइट मींस प्रोसेस पे फोकस करता है। डू द राइट थिंग एंड डू द थिंग राइट, ये दो बड़ी मजे की स्टेटमेंट्स हैं। डू द राइट थिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो फोकस है वो प्रोसेस नहीं है, बल्कि आपका जो फोकस है वो आउटकम है। जो सही है वो करना है, जो जैसे कहा गया है वैसे करना है, जैसे कहा गया है वैसे करना है, ये प्रोसेस है, और जो सही लगे वो करना है, ये आउटकम है। सो लीडर जो है ये इनोवेट करता है, ये डेवलप करता है। लीडर लोगों पे फोकस करता है, सिस्टम्स पे फोकस नहीं करता। इसका कंसर्न लॉन्ग टर्म होता है, नॉट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। तो वॉरेन बेने के मुताबिक लीडरशिप एक ट्रांसफॉर्मेशनल रोल प्ले करती है, ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांजेक्शनल मीन्स गिव एंड टेक, ट्रांसफॉर्मेशनल मीन्स टू गिव अ न्यू शेप, एक नई शक्ल देता है किसी भी सिचुएशन में। लोगों को एक नई जो डायमेंशन है वो दिखाता है, तो ट्रांसफॉर्म करता है। लीडर हमेशा ट्रांसफॉर्म करता है, बदलता है, चेंज लेके आता है, ठीक है। जबकि जो मैनेजर है ये ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप के थ्रू, गिव एंड टेक के थ्रू लोगों से काम करवाता है। ये इसने एक बड़ा थॉरो कंपैरिजन बनाया था के लीडर में और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है। मैनेजर ट्रांजेक्शनल लीडरशिप में एंगेज होता है, लीडर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में एंगेज होता है। मैनेजर डज द थिंग्स राइट, लीडर डज द राइट थिंग्स। मैनेजर प्रोसेस को फोकस करता है, लीडर आउटकम को फोकस करता है। मैनेजर एडमिनिस्टर करता है, लुक आफ्टर करता है, लीडर इनोवेट करता है। मैनेजर मेंटेन करता है, लीडर डेवलप करता है। मैनेजर सिस्टम एंड प्रोसीजर्स पे फोकस करता है, लीडर लोगों पे फोकस करते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। मैनेजर वुड फोकस मोर ऑन द सिस्टम्स एंड द प्रोसेसेस, एंड द लीडर विल बी फोकसिंग मोर ऑन द पीपल। मैनेजर की डिपेंडेंस कंट्रोल पे होती है, कंट्रोल पे रिलाई करता है, जबकि लीडर ट्रस्ट को इंस्पायर करता है। मैनेजर शॉर्ट रेंज व्यू देखता है, लीडर लॉन्ग रेंज पर्सपेक्टिव देखता है। मैनेजर इमिटेट करता है, इमिटेट कहते हैं कॉपी करने को, जो चीज जैसे कही गई है वैसे ही करेंगे आप, तो कॉपी करेंगे। जबकि लीडर है वो ओरिजिनेट करता है, क्रिएटिव होता है, आइडियाज जनरेट करता है, ओरिजिनेट करता है। मैनेजर स्टेटस क्वो में काम करता है, स्टेटस क्वो को एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि जो लीडर है वो चैलेंज करता है स्टेटस क्वो। तो बैरन वॉरेन बेने जो है, दे आर्ग्यू दैट द लीडर मस्ट गेट इन्वॉल्व इफ दे आर टू प्रोवाइड लीडरशिप। जी बेटा, डू द थिंग्स राइट एंड डू द राइट थिंग। डू द थिंग्स राइट का मतलब है प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टेंट।
जिस तरह कहा गया है वैसे करना है, डू द थिंग्स राइट, डू द राइट थिंग, जो सही लगे आपको आपने वो करना। डू द राइट थिंग मीन्स व्हाटएवर यू फील इज गुड, वो आपने करना है, ठीक है। डू द राइट थिंग एंड डू द थिंग राइट, डू द थिंग राइट से मुराद है कि प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टेंट, प्रोसेस जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप यू माइट बी कॉट अप। और डूइंग द राइट थिंग से मुराद है आउटकम पे फोकस करना, आउटकम इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है। डूइंग द थिंग्स राइट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस को फोकस करेगा। एंड डूइंग द राइट थिंग आउटकम पर फोकस करेगा। ये वॉरेन बेने की, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, ये वॉरेन बेने की किताब की दो कोटेशंस दी गई हैं, दे आर जस्ट टू रीड, ये सिर्फ पढ़ने के लिए, मॉडल यहीं तक है। वॉरेन बेने कहता है कि लीडर्स जो हैं वो वीएन देते हैं अपने ट्रस्ट को, सबॉर्डिनेट्स के ट्रस्ट को अर्न करते हैं। वॉरेन बेने अपनी किताब में लिखता है कि इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ गिविंग स्पीचेस, सेंडिंग आउट मेमोज, हैंगिंग आउट लेमिनेटेड प्लेक्स इन ऑफिसेस, इट इज अबाउट लिविंग द वीएन डे इन डे आउट एंड एम्बॉडिंग इट। तो लीडर का मतलब, ये का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ तकरीरें करते रहें, आप सिर्फ लोगों को बातें बताते रहें, बल्कि आपने लीडरशिप के अंदर वो रोल खुद भी प्ले करना होता है। यू हैव टू लिव योर वीएन, जो आपका वीएन है वो आपने खुद भी जीना है, डे इन डे आउट एम्बॉडी करना है, एम्पावरिंग एवरी अदर पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट एंड टू एग्जीक्यूट द वीएन इन एवरीथिंग यू डू, दैट इज हाउ, ये वो कॉन्सेप्ट है इंस्पायर करने का। आप किसी को इंस्पायर तभी करेंगे ना जब आप खुद कोई काम करके दिखाएंगे किसी को। यू विल ओनली बी इन अ पोजिशन टू इंस्पायर व्हेन यू विल डू समथिंग एट योर ओन, व्हेन यू विल ट्राई टू अचीव समथिंग एट योर ओन, अदरवाइज यू कांट इंस्पायर एनीवन, आप किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते। फिर एक और कोटेशन देता है कि लीडरशिप विल हैव टू बी कैंडिड, कैंडिड कहते हैं एम्पथेटिक होने को, किसी के नजरिए को समझने को, कैंडिड कहते हैं पोलाइटनेस को। कहते हैं लीडर को कैंडिड होना पड़ता है अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, एंड दे हैव टू शो दैट दे केयर, आपको ये शो करना है कि आप केयर करते हैं। दे मस्ट सीम टू बी ट्रस्टवर्थी ह्यूमन बीइंग्स, दैट व्हाई आई बिलीव मोस्ट कम्युनिकेशन हैज टू बी डन आईबॉल टू आईबॉल। वॉरेन बेने कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो होती है ना, ये आईबॉल टू आईबॉल से मुराद है आई टू आई होनी चाहिए, फेस टू फेस होनी चाहिए, रादर देन न्यूज़लेटर और वीडियोस और वाया सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट। लीडर जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा ना आपके साथ फेस टू फेस, उतनी उसकी ट्रस्टवर्दीनेस ज़्यादा होगी, उतना लोग ज़्यादा उस पर यकीन करेंगे, उस पर रिलाई करेंगे। ये दो कोटेशंस हैं, ये सिर्फ पढ़ने के लिए हैं। असल मॉडल वॉरेन बेने का इस टेबल की हद तक ही है, और यही टेबल पेपर में दो दफ़ा टेस्ट किया जा चुका है, इसे नीचे सिर्फ ये पढ़ना है, ये इसकी बुक की दो कोटेशन है। वॉरेन बेने कहते हैं कि लीडरशिप हर लेवल पर पाई जाती है, लीडरशिप कैन बी फाउंड एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड ही बिलीव दैट एवरीवन हैज द कैपेसिटी टू प्रोवाइड लीडरशिप, द ओनली थिंग इज कि आपने उसको डेवलप कैसे करना। ट्रेड थ्योरी 3 कहती है ना कि लीडर्स आर बॉर्न लीडर्स, वॉरेन बेने कहते हैं कि लीडरशिप कैन बी टॉट, ये स्किल्स सिखाए जाते हैं, यानी एक फ्लोर लेवल एम्प्लॉई भी इफेक्टिव लीडरशिप दे सकता है अगर उसको आपने सिखाया हुआ, इफ ही इज टॉट। उसने कहा था कि द रोल ऑफ द लीडर इज नॉट टू बी एन ऑल नोइंग प्रॉब्लम सॉल्वर। जस्ट एक मिनट लीजिएगा, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, आई विल बी बैक।
ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन. सो वॉरेन बेने कहते हैं कि लीडरशिप किसी भी लेवल पे मुहैया की जा सकती है. इट्स नॉट लाइक कि लीडरशिप सिर्फ टॉप मैनेजमेंट में होती है. लीडर कैन बी एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन. द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज टू ट्रेन दैट पर्सन राइट. एंड दैट्स व्हाई ही अपोज्ड द ट्रेड थ्योरी, जिसके मुताबिक लीडर्स नेचुरल होते हैं. और लीडर्स जो होते हैं दे मस्ट नॉट बी ऑल नोइंग प्रॉब्लम सॉल्वर्स. लीडर्स को सब कुछ नहीं आता होता. मतलब ये एज्यूम करना गलत है कि अगर लीडर है तो सब कुछ आता होगा. इंस्टेड लीडर जो है वो स्टिमुलेट करता है ग्रुप को, एनकरेज करता है ग्रुप की क्रिएटिविटी को, और मेंटेन करता है ऐसे एटमोसफेयर को, ऐसे कल्चर को जिसमें ग्रुप मेंबर्स खुद कंट्रीब्यूट करते हैं. जैसे टीम का कोच होता है, टीम का जो कोच है ही इज नॉट ऑल नोइंग. बॉलर्स जो, या फॉर एग्जाम्पल अगर बॉलिंग कोच है लेट्स से, तो हो सकता है कि टीम का फास्ट बॉलर जो है उससे ज्यादा जानता हो. लेकिन बॉलिंग कोच जो है उसका पर्पज क्या है कि वो टीम को स्टिमुलेट करता है, वो बॉलर्स की एबिलिटी को स्टिमुलेट करता है. इसी तरह टीम के अंदर जो बैटिंग कोच होता है, इट्स नॉट, इट डज नॉट मीन कि वो ऑल नोइंग होगा. या फुटबॉल टीम की मिसाल है, फुटबॉल टीम का जो कोच होता है वो खुद अच्छा डिफेंडर ना भी हो, वो खुद अच्छा गोलकीपर नहीं भी होता, वो खुद अच्छा अटैकर नहीं भी होता, लेकिन उसको ये फन आता होता है कि वो टीम को इंस्टिगेट करे. उसको ये महारत हासिल होती है कि वो टीम को ट्रिगर करे. So that is the role of a leader. That is how the leadership becomes. ठीक है? So it is not like कि उसको all knowing individual होगा. लाजमी नहीं है कि वो all knowing होगा. ठीक है ना? He is not all knowing individual. ये बात समझिए ना. तो कहते हैं role of the leader जो है वो all knowing problem solver नहीं होता. Instead he is someone who stimulates the group, who encourages the creativity of the group, who maintains the atmosphere of the group. जिसमें लोग खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं. खैर ये सिर्फ पढ़ने की हद तक है. वॉरेन बेने का जो असल मॉडल है, जो इनकी असल कंट्रीब्यूशन है, वो ये है ट्रांजैक्शनल वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, डूइंग थिंग्स राइट वर्सेस डूइंग द राइट थिंग. ठीक. और ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये पेपर में एक दफा क्वेश्चन आया था, आई गेस मार्च 17 में था. वेट अ मिनट, लेट मी शो यू द क्वेश्चन. वॉरेन बेने के ऊपर क्वेश्चन कब आया था? पुल इट अप. क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट था सितंबर 17 में, और उस क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट था मार्च 16 में. तो मार्च 16 में आ चुका है और सितंबर 17 में. सितंबर 17 में जिसमें क्वेश्चन था, इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, सेवन का बी पार्ट. ओके दिस इज हियर इट इज. ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है. मिस्टर आलम इज द सीईओ ऑफ अ कंपनी व्हिच इज नोन फॉर इट्स अडॉप्शन ऑफ लेटेस्ट एंड मॉडर्न टेक्निक्स. द कंपनी यूजुअली टेक्स द लीड इन अडॉप्टिंग न्यू आइडियाज, बट बी इट न्यू मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स. मिस्टर आलम हैज ऑल्सो बीन able to develop a highly motivated and talented team of workers and managers. Mr. Alam is an excellent in terms of communicating new ideas and always is receptive to creativity. He has also laid stress on the staff development and training and has introduced policies which are helpful in identifying and grooming them. His vision is to provide opportunities for long-term growth of the company as well as its employees. Identify the style of leadership followed by Mr. Alam and specify the characteristics of such style as enunciated by Warren Bennett. Style se murad hai, ye puchna cha rahe hai ki transactional hai ya transformational hai. What do you think? Is it transactional or transformational style? Ye transactional leadership de raha hai ya transformational leadership muhaiya kar raha hai? What type of leadership is being provided by Mr. Alam? Anyone? Exactly. This is transformational. Good. Ye transformational hai. Very good. Aur ab aapse wo transformational ke saath characteristics bhi pooch raha hai. Basically, is column ke upar question. This is question on this column. 7 number ka sawal hai. Sare points likhne hain. Dekh rahe hain aap kitna straightforward question hai 7 marks ka. Don't you think this type of a question is a scoring one?
यस इट इज, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर हाईली स्कोरिंग क्वेश्चन। इसमें 7 में से 7 नंबर आ सकते हैं, पूरे इस क्वेश्चन में पूरे 7 में से 7 नंबर आ सकते हैं अगर इस क्वेश्चन को आपने अप्रोप्रिएटली अटेम्प्ट किया तो। ऐसे सवाल पेपर में बहुत आसान होते हैं। फिर इससे पहले आई गेस मार्च 16 में शायद क्वेश्चन आया था इस पेपर में से, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी था। हाँ ये देखिए 3 नंबर का सवाल है। वॉरेन बेने ने मैनेजर और लीडर्स को डिस्टिंक्शन में लेके आया था। ये आपको कोई 12 के करीब पॉइंट्स दिए गए हैं 3 मार्क्स में, और कहा गया है कि लिस्ट करें कि कौन सा करेक्टरिस्टिक लीडर का है, कौन सा मैनेजर का है। फोकस ऑन सिस्टम एंड स्ट्रक्चर्स मैनेजर, शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव मैनेजर, चैलेंजिंग द स्टेटस क्वो लीडर, रिलायंस ऑन कंट्रोल मैनेजर, डूइंग द राइट थिंग लीडर, इंस्पायर ट्रस्ट लीडर, ट्रांजेक्शनल मैनेजर, इमिटेट मैनेजर, एडमिनिस्टर मैनेजर, मेंटेन मैनेजर, डेवलप लीडर, और विजनरी भी लीडर ही होता है। तो 3 मार्क्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, और इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। अगला मॉडल है जॉन कॉटर का। जॉन कॉटर के और वॉरेन बेने के मॉडल में कोई खास फर्क नहीं है। जॉन कॉटर भी तकरीबन वही वाला मॉडल प्रेजेंट करता है जो वॉरेन बेने ने किया था, हाँ उसको थोड़ा सा रिफाइन कर देता है। जॉन कॉटर कहता है, इसने किताब लिखी व्हाट लीडर्स रियली डू, बड़ी मशहूर किताब थी व्हाट लीडर्स रियली डू, लीडर्स हकीकत में क्या करते हैं। इसमें इस किताब ने कहा कि लीडरशिप के जो मेन कंसर्न है वो 2 होते हैं, एंटिसिपेटिंग चेंज एंड डीलिंग विद चेंज। एक लीडर जो प्राइमरली मैनेजर से डिस्टिंग्विश करता है ना, अपने चेंज मैनेजमेंट के ऊपर करता है। एक लीडर कितना अच्छा चेंज मैनेजर है, दैट वुड डिफरेंशिएट हिम फ्रॉम अ मैनेजर। और वो एक विजनरी स्टांस रखता है। विजनरी स्टांस से क्या मुराद है, उसकी दूर की सोच होती है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है, उसका विजन बड़ा क्लियर होता है। लीडर जो है इन 3 चीज़ों की बुनियाद पर डिफरेंट होता है मैनेजर से। लीडर चेंज को एंटिसिपेट करता है, लीडर चेंज के साथ डील करता है, और लीडर एक विजनरी स्टांस होल्ड करता है। ही हैज अ विजन अबाउट व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज ट्राइंग टू अचीव एंड व्हाट इट मस्ट डू टू गो देयर। लाइक बेने, कॉटर भी ट्रांजेक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल को कंपेयर करता है और कंट्रास्ट करता है। कॉटर जो है he also compares and contrasts transactional and transformational style on 4 different criteria: managers transactional leadership, leaders transformational leadership. aur criteria banata hai, for example pehla criteria hai agenda. manager jo agenda develop karta hai wo planning aur budgeting ke through karta hai, bahut micro details mein jata hai planning ki, jabki leader jo hota hai wo ek broad direction set kar deta hai. He establish a broad direction and he never goes into micro details. तो पहले लेवल पे तो जो मैनेजर है वो बहुत डिटेल में जाएगा। मैनेजर वुड गो इनटू मच डिटेल, ही वुड गो इनटू मच प्लानिंग, जबकि लीडर सिर्फ एक सिम्प दिखाएगा। मैनेजर डेवलप अ डिटेल्ड प्लान एंड देन क्रिएट अ डिटेल्ड मैप ऑफ हाउ टू अचीव दोस प्लान, जबकि लीडर क्या करता है, एक विजन सेट करता है इदारे, और वो जो इदारे को एक वीएन देता है, दैट वीएन विल हेल्प हिम टू रिटेन हिज पोजीशन। ठीक है, वो जो वीएन है उसका, वो उसको उसकी पोजीशन देता है। फिर मैनेजर के ह्यूमन रिलेशन एस्पेक्ट्स हैं वो बड़े वीक होते हैं, दे ओनली हायर टू फिल द जॉब। मैनेजर जो है वो बेस्ट हायरिंग करता है जॉब फिलिंग के लिए। लीडर क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, अलाइन करता है लोगों को अपने वीएन के साथ। लीडर अलाइंस हिज वीएन विद द डायरेक्टर, के डायरेक्टर के अंदर आपकी जो लोगों के साथ सबॉर्डिनेट्स के साथ अपना वीएन अलाइन करता है, और टॉप मैनेजमेंट के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं या जो सीनियर मैनेजर्स हैं, दे नो दैट हाउ द लीडर इज गोइंग टू अलाइन हिज और हर वीएन विद द सबॉर्डिनेट्स, इन लाइन कैसे लेके आते हैं। हमने पढ़ा था एक प्रोसेस होता है एनवीएनिंग का। एनवीएन कहते हैं अपना वीएन किसी को देना। एनवीएन करने का मतलब होता है कि आप अपना वीएन किसी को देते हैं। तो चेंज मैनेजमेंट में लीडर बेसिकली एनवीएनिंग कर रहा होता है।
तीसरे लेवल पे टास्क एग्जीक्यूशन, मैनेजर टास्क एग्जीक्यूट करता है कंट्रोल करते हुए, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हुए, जबकि लीडर टास्क एग्जीक्यूट करता है लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर करते हुए। मैनेजर वुड ट्राई टू कीप कंट्रोल इनटू हिम एज मच एज पॉसिबल, मैनेजर कंट्रोल अपने हाथ में रखने की कोशिश करेगा जहाँ तक मुमकिन हो सके, और जो लीडर है वो मोटिवेट करेगा, वो इंस्पायर करेगा। मैनेजर वुड कीप द कंट्रोल टू हिम, जबकि जो लीडर होगा वो कंट्रोल दूसरों को देगा, ही विल गिव द कंट्रोल टू अदर्स। मैनेजर के जो आउटकम्स हैं दे आर वेरी मच प्रिडिक्टेबल, इतनी डिटेल्ड प्लानिंग की हुई है, इतनी डिटेल्ड उसमें उसने एफर्ट्स पुट की हुई है, तो मैनेजर्स की जो आउटकम है दैट इज हाईली प्रिडिक्टेबल। जबकि लीडर चेंज लेके आता है, लीडर ड्रामेटिक चेंजेस लेके आता है, लीडर की जो आउटकम है दैट इज ड्रामेटिकली डिफरेंट एज कम्पेयर टू अ मैनेजर्स। मैनेजर की जो आउटकम है दैट इज हाईली प्रिडिक्टेबल, जबकि लीडर की जो आउटकम है दैट इज क्वाइट डिफरेंट। बल्कि इस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भी है, लेट मी शो यू अ वीडियो, लीडर पे और मैनेजर में डिफरेंस क्या होता है। That's a very interesting video. Let me just bring it up for you people. Idea aur clear ho jayega, leader mein aur manager mein difference behtar samajh aa jayega. दिस इज अ वेरी गुड वीडियो। आवाज आ रही है आपको, साउंड आ रहा है? अच्छा एक सेकंड रुकिए, लेट मी सी के साउंड क्यों नहीं आ रहा। Organization or its department. He somehow manages the entire affairs of the organization and is responsible for the working and performance of the concerned department or unit. He is the one who takes routine decisions and has a group of subordinates who reports to him or her about the day-to-day operations. Basically, a manager performs five basic functions. These are planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Planning is to decide beforehand what is to be done in future. Next is organizing, which means organizing the activities, processes, and the resources of the organization, as in assignment of tasks, delegating authority to subordinates, and allocation of resources. Then is staffing. Staffing involves recruitment and selection of personnel for carrying out various activities. Next function is directing. It entails guiding and supervising the subordinates to make sure that the efforts are made in right direction. Last but not the least, controlling function involves monitoring the activities of workers and establishing standards and comparing them with the actual performance to take necessary steps for correction in case of any variations. One of the main characteristics of a manager is coordination, which entails integrating the activities of the organization and synchronizing the efforts to ensure that all the activities are performed in tandem. Leader. As the name suggests, a leader is someone who leads. He has the power to convince, inspire, and motivate others, as well as make them follow the instruction to work in a desired direction. He is someone who holds a dominant position in a given field and has the ability to influence a group of people towards achievement of objectives. He has good communication skills, foresightedness, and a clear vision. The qualities of a good leader includes decision-making ability, accountability, creativity and innovation, commitment and passion towards the goal, and encouraging others. Difference between manager and leader. Meaning, a manager is a person who
who is responsible for managing the entire organization. On the other hand, a leader is someone who influences the subordinates towards attainment of desired objective. While manager aims at directing and controlling people, a leader aims at motivating and inspiring people. A manager has subordinates who reports to him about the day-to-day activities, whereas a leader has followers who follows him. Next, the primary skill of a manager is quick decision making with respect to various matters of the organization and coordinating the activities of the management. On the other hand, a leader has foresightedness. When it comes to approach, a manager plans the activities of the organization, whereas a leader sets direction. If we talk about leadership style, the manager follows transactional leadership style that involves rewards and punishments for motivating the subordinates. On the other hand, a leader follows transformational leadership style in which the leader employs his charisma to inspire his followers in achieving the goal. While a manager strives for efficiency as he believes in doing the things in right manner, a leader strives for effectiveness in doing the right things. This is the difference. While a manager doing the right thing and doing the thing right. Next. Leader focuses on his people. A leader is a change agent, and so he promotes change, which is for the betterment of his followers. On the other hand, a manager reacts to change. A manager tries to avoid conflict as he believes that it is going to hamper the growth and performance of the organization, as against a leader uses conflict as an asset to provoke people in doing better than others. Lastly, when it comes to perspective, a manager has a short-range perspective, whereas a leader has a long-range perspective. Well, friends, this brings me to the end of this lesson. I hope. So that's an important debate on. इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस हैं. चाहे आई रिकमेंड कि आप ना ऑनलाइन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ना वीडियोस भी ढूंढते रहा करें, ठीक है ना. इससे बड़ा अच्छा आइडिया मिल जाता है. इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि व्हेनेवर यू आर स्टडिंग एंड यू फील कि आपको किसी टॉपिक पे ज़रा ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तो कर सकते हैं कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस ढूंढ सकते हैं जी. ये ऑडियो विजुअल एड जो है ना, ये बड़ी हेल्पफुल होती है लर्निंग प्रोसेस को थोड़ा स्पीडी करने के लिए. ऑडियो विजुअल एड से बहुत हेल्प मिल जाती है. अब इंशाल्लाह ये जो आपकी हमने वो चैप्टर बाय चैप्टर जो समरीज की वीडियोस प्रिपेयर की हुई हैं, वो भी इंशाल्लाह ज़रा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली प्ले होने लग जाएंगी, ताकि आपकी रिवीजन थोड़ी सी अच्छी हो जाए उनकी बेस के ऊपर. आप पूरे चैप्टर का एक बर्ड्स आई व्यू कैप्चर कर लेते हैं, आप पूरे चैप्टर का एक बर्ड्स आई व्यू उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. इसके बाद हमारा आखिरी मॉडल है, वो है रोनाल्ड हीफ्स का. रोनाल्ड हीफ्स के ऊपर क्वेश्चन आया था सितंबर 2017 में, 8 नंबर का सवाल था. रोनाल्ड हीफ्स के मॉडल में इसने कहा था, रोनाल्ड हीफ्स ने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये अडेप्टिव चेंज को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं. रोनाल्ड हीफ्स के ऊपर ये सितंबर 17 में क्वेश्चन आया था, प्रिंसिपल्स ऑफ अडेप्टिव चेंज के ऊपर, दैट हाउ ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट टू चेंज. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल. रोनाल्ड हीफ्स के मुताबिक लीडरशिप जो है ये एक एक्टिविटी है, नॉट अ क्वालिटी. और एक्टिविटी एक ऑनगोइंग होती है. एक्टिविटी मीन्स समथिंग दैट इज बीइंग कंटिन्यूअस, समथिंग दैट इज बीइंग गोइंग ऑन फॉर अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. क्वालिटी जो है ये एक सर्टन मतलब लेवल तक, जैसे कहते हैं यार इस बंदे की क्वालिटी एक अच्छा बोलता है, ठीक है. लेकिन एक्टिविटी जो है इसका मतलब है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. रोनाल्ड हीफ्स कहते हैं कि लीडरशिप में और अथॉरिटी में फ़र्क होता है. अथॉरिटी जो है ये मैनेजर्स के पास होती है, लीडर्स के पास अथॉरिटी इनफॉर्मल होती है, मैनेजर के पास अथॉरिटी फॉर्मल होती है.
अथॉरिटी का जो वर्ड है हम नॉर्मली फॉर्मल अथॉरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं. वी यूज दिस वर्ड फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी. मैनेजर हैज द राइट टू टेल सबॉर्डिनेट्स व्हाट टू डू बिकॉज ही सिंपली एक्सरसाइजिंग हिज लेजिटिमेट अथॉरिटी. याद करें कॉन्सेप्ट वो मैक्स वेबर का, टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज. तो मैक्स वेबर के मुताबिक लेजिटिमेट जो अथॉरिटी है ये ब्यूरोक्रेसी की अथॉरिटी होती है. So subordinates will do whatever manager will tell them to avoid dismissal or punishment or any other action. However, employees जो हैं वो leaders को follow करते हैं. Leaders के पास formal authority के साथ साथ informal authority भी होती है. Ideal case scenario ये होता है कि अगर एक अच्छा manager, एक अच्छा leader भी है, so that's the best possible combination. कि उसके पास formal authority भी होगी और उसके पास informal authority भी होगी. So a manager has to be a good leader too. क्योंकि अगर एक individual सिर्फ leader है, informal authority को practice कर रहा है, तो लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे. People won't lend an ear कि वो बंदा क्या कह रहा है. और अगर एक बंदे के पास सिर्फ formal अपना authority है, तब भी लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे, retaliate करेंगे, वो अंदराज में आ जाएंगे, problem create करेंगे. तो ideal case scenario is the case where a manager is a good leader. कि एक ही बंदे के पास formal authority के साथ साथ इनफॉर्मल अथॉरिटी भी एग्जिस्ट करती है. तो ये पहला मोड है, ये पहला एरिया है रोनल्ड हीफस की थ्योरी का. रोनल्ड हीफस कहते हैं कि सक्सेसफुल लीडर्स वो हैं जो इनफॉर्मल अथॉरिटी के साथ साथ फॉर्मल अथॉरिटी को भी प्रैक्टिस करते हैं. द सक्सेसफुल लीडर्स आर इनफॉर्मल अथॉरिटी का मतलब है कि आप किसी को डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं कर रहे, किसी को जवाब दे नहीं, लेकिन फिर भी आप उसकी बात मान रहे हैं. You are not directly answerable to a person. जैसे for example, मैं अगर BMBS के मुतालिक आपसे कोई बात करूंगा तो I might be practicing my informal authority only. See, आप ICAP के students हैं, आपकी body qualifying body ICAP है, but you still lending an ear to what your teacher is saying. तो teachers के पास आपके ऊपर informal authority हो सकती है. ठीक है, हाँ, एक शर्त में कि टीचर आपकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल नहीं करता. जैसे मैं आपकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल नहीं करता ना, आई डोंट कंट्रोल योर परफॉर्मेंस. आपकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल ICAP करता है, लेकिन मैं फिर भी अपनी अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एक्सपर्टीज से आई कैन गिव अ सजेशन. लेट्स से रोनल्ड हीफस एक किताब लिखते हैं 1994 में, लीडरशिप विदाउट ईजी आंसर्स. पुरानी बुक नहीं है, अभी तो एक हार्डली 26-27 ईयर्स ओल्ड बुक है. इस बुक में ये डिस्कस करते हैं कि एक लीडर जो है इसे डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है वर्क प्लेस के ऊपर. अ लीडर हैज टू फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस एट द वर्क प्लेस. दो किस्म के चैलेंजेस लीडर फेस करता है वर्क प्लेस पे, एक अडेप्टिव चैलेंज होता है और एक टेक्निकल चैलेंज होता है. टेक्निकल चैलेंज से मुराद है कि फॉर एग्जाम्पल कोई टूल काम नहीं कर रहा, कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, या मार्केटिंग मैनेजर है तो कस्टमर की डिमांड्स क्यों कम हो रही हैं. ये टेक्निकल प्रॉब्लम, यानी ऐसी प्रॉब्लम जिसे आप अपनी कॉम्पिटेंस और अपने नॉलेज से आंसर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज टेक्निकल प्रॉब्लम. प्रॉब्लम दैट कैन बी आंसर्ड विद द नॉलेज. देर आर सम अडैप्टिव प्रॉब्लम्स. अडैप्टिव प्रॉब्लम्स को आप नॉलेज से भी आंसर नहीं कर सकते. अडैप्टिव प्रॉब्लम जो है ये बिहेवियरल होती हैं, ये बिहेवियर से रिलेट करती हैं, दे रिलेट टू बिहेवियर. इनके लिए फिर आपको स्पेशल कंसीडरेशंस चाहिए होती हैं. यू नीड सम स्पेशल स्किल्स टू एड्रेस टू अडैप्टिव प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो द मोर स्किल्ड यू बिकम द बेटर यू विल गेट एट टेक्निकल प्रॉब्लम, बट टू बी गुड एट अडैप्टिव प्रॉब्लम्स You should be developed as a leader. Adaptive problems के अंदर फिर आपकी development जो है वो leader के तौर पे होनी चाहिए. और if someone has not developed you up till, तो you might be losing that thing. आप वो फिर तो organizations को चाहिए कि अपने leaders को develop करें. ये बात हम पहले भी करके आ चुके हैं, third chapter में भी हमने बात की थी, change में भी हमने बात की थी कि development बड़ी important है. अगर आप डेवलप नहीं करते एम्प्लॉयज़ को तो चेंज कभी नहीं आप सक्सेसफुली लेके आ सकते. ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन सो फार? ये पढ़ेंगे, ये लास्ट पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल एक टीम में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, एक टीम के अंदर लोग लड़ पड़े आपस में, अब ये अडेप्टिव प्रॉब्लम. अब
अब लीडर को कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करना है, यहाँ पे उसका नॉलेज काम नहीं आना कि टेक्निकल नॉलेज कितना है उसके पास, यहाँ पे उसके पीपल स्किल्स काम आना। सो अडैप्टिव प्रॉब्लम्स डील विद पीपल स्किल्स, ठीक है, अडैप्टिव प्रॉब्लम डील्स विद पीपल स्किल्स। जब आप लोगों को कोई चेंज अनाउंस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट उनके बिहेवियर पे क्या है, एंड दैट माइट लीड टू अडैप्टिव प्रॉब्लम्स। गॉट इट? एनी क्वेश्चन सो फार? अच्छा मैं कहती हूँ आखिरी पैराग्राफ पढ़ लें। टेक्निकल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय मैनेजर्स ट्रांजैक्शनल लीडर्स, बट फॉर एडेप्टिव प्रॉब्लम्स यू नीड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला लिखा हो, कहते टेक्निकल प्रॉब्लम्स को तो आप सॉल्व कर सकते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के थ्रू, मैनेजर्स उसे, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स के अंदर नो हाउ रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अडेप्टिव प्रॉब्लम में चूंकि पीपल मैनेजमेंट हाई होती है, यू हैव टू डील विद पीपल, सो फॉर दैट रीजन फॉर दैट पर्पज यू नीड टू हैव इट। ठीक है ना? बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं जहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स रिक्वायर्ड होते हैं, यू रिक्वायर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, वहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं चलेगा। जैसे भी एग्जांपल दी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आपकी अडेप्टिव स्किल्स बड़ी काम आती है। ये हम इंशाल्लाह, अच्छा कल आपका टेस्ट है 7 चैप्टर के सेकंड हाफ का, ठीक है, कल अपलोड हो जाएगा और कल सिर्फ टेस्ट होगा। वी वोंट हैव रेगुलर सेशन टुमारो, कल सिर्फ हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि अब मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा इस वीकेंड तक स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ। तो आई जस्ट वॉन्ट कि हम सैटरडे को इस चैप्टर को कंक्लूड करें और इसके पास पेपर्स क्वेश्चंस को भी डिस्कस करें। तो लेट्स टेक दिस चैप्टर टू द वीकेंड। तो हम कल फिर सिर्फ टेस्ट करते हैं, आपको भी एक दिन मिल जाएगा पिछले 8 चैप्टर के टॉपिक्स को रिवाइज करने का। यू कैन यूज दैट टाइम टू रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर का हमने एक ही टेस्ट करना है अगले हफ्ते में। इस चैप्टर का सिर्फ एक टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक में, प्रॉबेबली वेंसडे को या थर्सडे को करेंगे, ठीक है। सो डू रिवाइज दिस चैप्टर, डू हैव सम गुड रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, ताकि कोई भी एम्बिग्विटी हो तो आप उसे डिस्कस कर सकें मेरे साथ। तो कल इंशाल्लाह फिर हम सिर्फ टेस्ट करेंगे 7th के सेकंड हाफ का। जी जी प्लीज़ डू आस्क। पेज नंबर बताओ, विच पेज नंबर? Very good question. गवर्नमेंट पाकिस्तान का स्ट्रक्चर डिवीनल है या फंक्शनल? वेल दैट इज डिवीनल, क्योंकि उनके पास डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स। हमने डिस्कस किया था कि डिवीजन्स जो हैं तीन लेवल्स पे बन सकती हैं। डिवीजन प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं, ज्योग्राफिकल होती हैं और कस्टमर बेस्ड होती हैं। अगर आप डिवीनल स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग पे आए हैं, ओके हियर इट इज। Division is an area of operation defined by different products. जैसे फॉर एग्जाम्पल गोरमे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ डिवीजन हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, फिर स्वीट्स हैं, फिर तो प्रोडक्ट्स की डिवीजन होते हैं, ठीक। सो दैट वुड बी, हाँ अगर एक ही बेकरी की एक ही शहर में ब्रांचेज हों या एक ही इवन एक ही मुल्क में ब्रांचेज हो तो भी फंक्शनल में ही जाएगा। एग्जैक्टली फंक्शनल में जाएगा। डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन जब मल्टीनेशनल लेवल पे आप जाते हैं फिर आप डिवीजन्स पे आते हैं, जैसे यूरोपियन, नॉर्थ अमेरिकन। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि लाहौर की डिवीजन अलग है, फैसलाबाद की डिवीजन अलग है, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो प्रोडक्ट बेस्ड है बेटा, वो प्रोडक्ट बेस्ड ही नहीं, दे हैव डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स। गौर से समझो ना, देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है ना ये बड़ा सिंपल होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं या एक या चंद प्रोडक्ट्स हैं, महदूद ऑपरेशंस हैं। डिवीजनल स्ट्रक्चर थोड़ा एक्सपेंडेड होता है, बड़ा होता है।
डिवीजंस को जस्टिफाई करने के लिए बस ये याद रखो कि डिवीजंस तीन लेवल की होती हैं, अक्रॉस द कंट्री ज्योग्राफिक, अक्रॉस वेरियस प्रोडक्ट लाइंस एंड अक्रॉस डिफरेंट कस्टमर्स। तीन लेवल्स पे डिवीजंस मिलेंगी आपको। ये पॉइंट्स में जा रहे हैं आपको? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि तीन लेवल्स पे आप डिवीजंस को डिफाइन कर सकते हैं? एंड बस दैट वुड बी योर कंक्लूजन कि फिर गोरमे पाकिस्तान एक डिवीजनल स्ट्रक्चर है, लेट्स से इट कैन बी अ डिवीजनल स्ट्रक्चर। बट यू टॉक अबाउट अ वेरी स्मॉल बिजनेस जिसकी एक ही फैक्ट्री है छोटी सी और वहीं से पूरे लाहौर में सप्लाई जाती है, सो दैट माइट बी अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, दैट माइट बी अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। ओके जी, चलें लेट्स कंक्लूड फॉर टुडे। कल 7 चैप्टर का सेकंड हाफ, ठीक है? सो कम प्रिपेयर्ड सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द टेस्ट इन अ गुड वे। सी यू देन। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।